हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार चैनल यूट्यूब वाले में, परिवर्तन द एडू हब। फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक हैं, यानी आपके जो स्विट्जरलैंड के हैं, इसके बारे में बताया था। फिर जीन पियाजे के सिद्धांत के जो दो पक्ष थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था, संगठन और अनुकूलन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था जीन पियाजे के सिद्धांत के चरण, जो चार चरण थे आपके, उनके जो प्रमुख बिंदु थे वो मैंने आपको आपकी पुरानी वाली वीडियो में, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, आप देख सकते हैं अगर आपने देखा हो, उसमें मैंने आपको बता दिए थे। फिर मैंने आपसे जैसे कि वादा किया था कि आने वाली क्लास को, देखो मैंने बताया था कि थ्योरी ज़्यादा किसी को याद नहीं रहती है, लेकिन मैंने क्या कहा था कि थ्योरी से हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल सकते हैं जिससे अपने सीटेट के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। यानी आपका जो सीटेट का क्वेश्चन है ये इन्हीं पॉइंट्स के बीच में घूमता रहता है, बस क्या करेंगे, कभी राजू की जगह शिखा आ जाएगी, शिखा की जगह शामू आ जाएगा, शामू की जगह रानी आ जाएगी। यानी वो नाम चेंज करेंगे, स्थान चेंज करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग सीधे आज हिट करेंगे उन कॉन्सेप्ट को जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इस सिद्धांत के जितने भी की पॉइंट हैं उन्हें पढ़ने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट की सीरीज लगाएंगे, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि टॉप 20 या 25 क्वेश्चन जो बनते हैं जीन पियाजे से, उनको देखने की कोशिश करेंगे। फिर आपके सीटेट की तैयारी के लिए आपके अपने चैनल पे एक पूरी सीटेट बेस्ड सीडीपी क्वेश्चन आंसर सीरीज लगाई जाएगी, होगी। लगभग हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें 500 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करें, जैसा आपके साथ मैंने पेट में कवर किया था। आपको पता ही होगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन आपकी वीडियो से रहा, और लगभग आज सभी वीडियो को उठाएंगे तो 13+ क्वेश्चन सिर्फ आपके 10 वीडियो से ही आए थे। तो वो वीडियो सिर्फ 20-20 मिनट की थी, आप जाके देख भी सकते हैं, उनका भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। तो ऐसे ही एक पूरा क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज लेके चलेंगे सीटेट के लिए भी, जिसमें ऐसे शायद क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में उन्हीं पैटर्न पे, हो सकता है कि आपके नाम भी रिपीट हो जाएं, और अगर नाम रिपीट नहीं होते तो कॉन्सेप्ट तो आपका आना ही आना है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। जो पियाजे की पहली स्टेज थी, मैंने जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था उसका कुछ भी नहीं उठाया है, सब कुछ नया है। देखिए, आप पहले जो लिखा है संवेदी पेशी अवस्था, ये पियाजे की पहली अवस्था होती है। इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, यह अवस्था मैंने वीडियो में बता रखी है, आपके जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में अगर बात आप करोगे तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था है जिसमें बालक आपका इंद्रियों से सोचता है, तो वो बालक की जो स्टेज है वो है इंद्रियां। इसमें क्या होती हैं, बालक की शिक्षक होती है, यानी जितना भी बालक को ज्ञान प्राप्त होता है या बालक जितनी भी क्रियाएं करता है वो सब किनके द्वारा करता है, इंद्रियों के द्वारा। इसीलिए इस स्टेज को आपको संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, ठीक। फिर अगला इसमें देखिए की पॉइंट लिखा है प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी जैसी क्रिया आप करोगे बालक वैसी ही क्रियाएं करता है। यानी कुल मिला के कहें तो यहां बालक क्या करने की कोशिश करता है, आपकी नकल, ठीक। यानी इस वाले पॉइंट्स की अगर बात करोगे तो बालक नकल करना जो सीखता है, यानी नकल किस चीज़ की, वो कॉपी वाली चीटिंग वाली नकल नहीं, यहाँ पे जो चीटिंग है आपके व्यवहार की, यानी जो आपका व्यवहार से वो क्या कर रहा है, जैसे आप कर रहे हो, जैसे आपने उसके सामने ऐसे किया तो वो भी आपके सामने ऐसे करेगा, ठीक। आप उसके सामने मुस्काए तो वो भी आपके सामने मुस्कुराएगा। जैसे इस अवस्था में जो बालक होगा ज़्यादातर गोदी में ही रहता है, जैसे हम लोग गोदी में पकड़े हैं, आपने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्काए, तुरंत भी आपकी तरफ हल्का से देख के मुस्काता है, ठीक। वो जो मशीन ऐसे जो दांत दो होते हैं वो आपको दिख जाएंगे उसके। तो इस वाली अवस्था में बालक क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएँ करता है, ठीक। फिर आता है वस्तु स्थायित्व, यानी इस वाले मतलब जो स्टेज होती है इसमें बालक को वस्तु स्थायित्व की मतलब वो प्राप्ति होती है। यानी आपने अगर किसी चीज़ कोई चीज़ उसको दे दी है तो वो उस चीज़ को बहुत तेज़ी से पकड़ लेगा, उसे लगेगा ये मेरा ही है, यानी वस्तु की जो स्थायित्व है उसको समझ लेता है, ठीक। फिर आता है आपकी दूसरी स्टेज जो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो आपकी चलती है जन्म यानी 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक, लगभग हम लोग कह सकते हैं शैशवावस्था के समकक्ष ये आपकी चलती है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक में भाषा विकास होता है। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे कहते हैं कि जब विचार आते हैं, क्या आते हैं, विचार आते हैं, तो विचार किसको लाते हैं, विचार भाषा को लाते हैं। यानी जीन पियाजे का कहना है कि विचार जो हैं वो भाषा को लाते हैं, यानी पहले आपके थॉट आते हैं
और थॉट से ही आपकी क्या बनती है, भाषा बनती है। ये जीन बियाजे का कथन है कि इस अवस्था में बालक भाषा विकास सीखता है। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो जैसे बालक शैशवावस्था में बाहर खेलता है, बाहर खेलता है तो उसके और लोगों के साथ में क्या होता है, उसके संबंध बनते हैं, ठीक है, रिलेशन बनता है, तो वो भाषा को ग्रहण करता है। जैसे इसका मतलब है खाना, इसका मतलब है मारना, यानी संकेतों से जो मारना वाला संकेत था, अब धीरे धीरे वो जान भी लगा है कि इसको मारना कहते हैं, इसको खाना कहते हैं, ठीक, इसको बाय कहते हैं। तो वही उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है। तो जीन पियाजे क्या कहते हैं कि विचार में भाषा का बहुत महत्व है, ठीक। फिर जो दूसरा की पॉइंट है वो है अपरिवर्तनीयता, यानी इरिवर्सिबिलिटी। अब जैसे मान ली, मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले वीडियो में कि इस अवस्था में जो बालक होता है वो आपके आकार और अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए दो जग हैं ये, ठीक, और दोनों जग, एक जग बड़ा है, जैसे ये बड़ा कर दिया मैंने, इस जग को छोटा कर दिया। अब इस जग में पूरा ग्लास पानी था, ठीक, और मैंने इस पानी को लेके इस बड़े वाले ग्लास में डाल दिया। अब मैंने पूछा बच्चे से कि बताओ इनमें से किस ग्लास में पानी ज़्यादा, यानी किस जार में पानी ज़्यादा है, तो उसे जो बड़ा जार दिखेगा उसी में बताएगा कि बड़े वाले जार में पानी ज्यादा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है, उसे अपरिवर्तन यानी रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है। उसे ये नहीं पता है कि पानी का ग्लास, जितना पानी भरा था इस ग्लास में उतना ही रहेगा, चाहे आप इस बड़े वाले जार में डाल दीजिए, चाहे इससे बड़े जार में डाल दीजिए, चाहे आप किसी बाल्टी में डाल दीजिए। यानी ये जो गुण होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी, यानी उसे आकार और अनुपात में अंतर करना नहीं आता है। तो क्वेश्चन बनता है कि एक मतलब नीलम, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, नीलम के सामने दो जार रखे गए जिसमें एक जार की क्षमता 5 लीटर है जबकि दूसरे वाले जार की क्षमता 2 लीटर है। 2 लीटर वाले जार में पूरा 2 लीटर पानी भरा हुआ है। जब उस बड़े वाले जार को छोटे वाले जार से 2 लीटर का पानी 5 लीटर वाले जार में डाल दिया जाता है तो नीलम कहती है कि अब बड़े वाले जार में पानी ज़्यादा हो गया है। तो पियाजे के अनुसार निम्न में से वह किस समस्या से जूझ रही है, तो वो उसकी समस्या क्या है, अपरिवर्तनीयता, यानी वो अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पा रही, यानी वो इरिवर्सिबिलिटी से जूझ रही है। क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे ही बनता है। फिर अगला क्वेश्चन जो की पॉइंट बनता है वो है अहम केंद्रता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। सीटेट की 2021 वाली जो आपकी सीरीज हुई थी, हर सीरीज में एक क्वेश्चन ईगो सेंट्रिक से जरूर पूछ रहा था, क्योंकि ईगो सेंट्रिक और ईगो फोकस्ड में थोड़ा सा ही अंतर है, यानी अहम केंद्रित और अहम वाद में थोड़ा सा ही अंतर है, क्योंकि अहम वाद आपका आता है वाइगोस्की की थ्योरी में और ईगो सेंट्रिक जो आता ही आता था पियाजे की थ्योरी में। इसलिए क्या होता है कि कभी पियाजे की थ्योरी में वाइगोस्की आंसर लगा देते हैं लोग और वाइगोस्की की थ्योरी में पियाजे का आंसर लगाते हैं, बस नहीं कहते, बीच में एक छोटा सा पर्दा है ईगो सेंट्रिक और ईगो फोकस्ड के बीच में। अहम केंद्रता क्या है कि बच्चे को ये लगता है, पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चे को ये लगता है कि पूरा संसार जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, यानी हम कहेंगे हंसो तो सब हंसेंगे, हम कहेंगे सब लोग रोएं तो सब लोग रोएंगे, हम कहेंगे किसी को मारो तो मारेंगे। यानी कुल मिला के जो बच्चा होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है, खुद ऐसा कहें कि अहम ब्रह्मा, जैसे अपने वो कहते हैं एक्टर जो है, देखा होगा आप लोगों ने सीरीज में, अहम ब्रह्मा। तो बच्चों को यहाँ पे यही लगता है कि अहम ब्रह्मा, आत्म केंद्रित, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, ठीक। इसके बाद आता है आपका की पॉइंट जीववाद। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्न में से पियाजे के अनुसार वह कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चों को लगता है कि संसार उसी के आसपास है, तो वह है उसकी अहम केंद्रवाद, ठीक, क्लियर रहेगा ना। अगला क्वेश्चन बनता है जीववाद से, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एनिमिज्म। अब ये क्या है, अगर याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि इस अवस्था में बालक जब बाहर जाते हैं तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं और उसके साथ में अपने गुड्डा गुड़ियों के साथ भी खेलते हैं। देखो बच्चे के पास जैसे एक मान ली मोटर बाइक है खेलने वाली, तो उस पर बैठ के पुलिस खेलेगा। अगर बच्ची के पास है तो वो उस गुड़िया को नहलाएगी, कपड़े उसको नए पहलाएगी, खाना अपने साथ में खिलाएगी, तो उसे क्या लगता है कि जो गुड़िया है वो जीवित है। यानी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पियाजे की थ्योरी में जीववाद कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे पुट अप किया जाएगा कि रानी के पास एक गुड़िया है, वह उस गुड़िया को नहलाती है, धुलाती है। एक दिन उसकी गुड़िया अचानक जमीन में गिर जाती है और वह रोने लगती है। उसकी माता उससे पूछती है कि बेटा क्यों रो रही हो, तो रानी कहती है मेरी गुड़िया जमीन में गिर गई है, उसको चोट लग गई होगी इसलिए मैं रो रही हूँ। तो रानी अब गुड़िया के लेके देखे कितने भावनात्मक जुड़ाव हैं, उसे पता है कि गिरने से कोई रोता है, तो इसी गिरने से रोने को क्या कहा जाएगा, जीववाद कहा जाएगा। यानी रानी को पता है गिरने से चोट लगती है तो गुड़िया के भी चोट लगी होगी, क्योंकि वो गुड़िया में स्वयं को यानी अपने जीवन को देख रही है, इसी को क्या कहा गया है, एनिमिज्म कहा गया है, क्लियर है, ठीक।
ये की पॉइंट हो गए आपके इन दोनों स्टेज के। फिर देखते हैं हम लोग तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। इसको हिंदी हम लोग ठोस भी कहते हैं। इसका जो काल होता है ये आपका 7 से 11 वर्ष तक होता है। लगभग मैंने आपको बताया था बाल्यावस्था तक। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जितनी भी कमी आपकी यहाँ पे रहती हैं वो आपकी पूरी हो जाती हैं। जैसे जीववाद नहीं होता है, अहम केंद्रवाद जिन्हें ईगो सेंट्रिक की कोई चीज़ नहीं होती है, इरिवर्सिबिलिटी नहीं जो होती है वो भी ठीक हो जाती है। जैसे पहले लिखा आपका तर्क शुरू कर देता है यानी रीजनिंग करने लगता है। अब ये तर्क आप समझो कहाँ से, यहाँ से। इसको इस वाले की पॉइंट को यहाँ से लेट करो कि रिवर्सिबल थिंकिंग, उलटने पलटने की क्षमता आ जाती है। और ये क्षमता कब आएगी? जब आपके अंदर क्या आ जाएगी? रीजनिंग आ जाएगा, तर्क आ जाएगा। अब मान लीजिए उसी वाले क्वेश्चन को मैं दोबारा लूँ, ठीक। अब उसका आंसर क्या होता कि अब उसने बता दिया कि जो ग्लास दोनों जार में वाटर था, 2 लीटर 5 लीटर, इन दोनों ग्लास में पानी समान ही है क्योंकि आपने पानी की आकृति को, मतलब आपने जग की आकृति को बदला है, ना कि पानी के उसको क्या कहते हैं अनुपात को। पानी का अनुपात उतना ही है जितना छोटे वाले जार में था। तो ये आएगी कब? ये तब आएगी जब आपके अंदर रीजनिंग यानी तर्क करना आ जाएगा कि दोनों, मतलब जो क्षमता थी 2 लीटर वाली वो अभी भी है, आकार चाहे आप 5 लीटर करिए चाहे 10 लीटर करिए। तो इसी क्वेश्चन बनते हैं उलटने पलटने की क्षमता यानी रिवर्सिबल थिंकिंग कब आ जाती है? तो वो आती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्लियर रहेगा, ठीक। आगे आ जाता है वर्गीकरण यानी वो चीज़ों को क्लासिफिकेशन करने लगता है। मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल बताया था जानवर वाला कि, और एक बताया था आपको पेंटैप वाला। अब वो पेंटैप को और मार्कर को दोनों को अलग अलग रखता है यानी चीज़ों के बीच क्या करने लगता है? क्लासिफिकेशन करने लगता है कि उसको पता है कि जो पेंटैप होता है वो कंप्यूटर पर काम करेगा आपका, ठीक है, और जबकि आपका जो वो होता है मार्कर ये बोर्ड पर काम करेगा। यानी जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे और जो आप देखते हैं स्लाइड वगैरह पे काम करने के लिए वो पेंटैब होता है। तो उस चीज़ का उसने क्या कर लिया? क्लासिफिकेशन कर लिया, उसको वर्गीकृत कर लिया दोनों चीज़ों को। फिर आता है संरक्षण। संरक्षण क्या है? कंजर्वेशन यानी चीज़ों को संरक्षण करना, वो इन्हीं सब चीज़ों में सीख जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके जो दिमाग में पक्ष हैं, आप एक मैंने आपको वर्ड बताया था स्कीमा, याद होगा कि पियाजे की थ्योरी में एक वर्ड आता है स्कीमा। यानी वो करता क्या है कि जितनी भी नई जानकारी उसे प्राप्त होती हैं, जितनी भी नई जानकारी प्राप्त होती हैं उन्हें वो क्या कर लेता है? कंजर्वेट कर लेता है, इन्हें अपने दिमाग में संरक्षित कर लेता है। तो इसका स्कीमा क्या था कि बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना ही क्या है? स्कीमा है। यानी जितनी इन्हें संरक्षण करना, जैसे आपको चीतों का संरक्षण, शेर का संरक्षण, मतलब उन चीज़ों को बचाना, यानी जितनी भी जानकारी होती है उन सभी जानकारी को इकट्ठा करके अपने लिए वो उपयोग करता है। तो ये चीज़ कहाँ देखने मिलती है आपको? मूल संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। आगे आते हैं हमारा जो लास्ट स्टेज पियाजे की आती है, वो आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की जो एज है वो 11 से 15 और 11 से 15 के मतलब आगे तक लगभग रहती है। अब इस अवस्था में क्या होता है? काल्पनिक निगमात्मक सोच यानी इंग्लिश में बोले तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। यानी इस अवस्था में बालक अब अमूर्त थिंकिंग करने लगता है। जैसे आप कोई कहानी बता रहे हो तो उस कहानी की वो इमेज अपने आप ही क्रिएट कर लेगा। इस इमेज क्रिएशन को ही क्या कहते हैं? काल्पनिक निगमात्मक सोच यानी हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। क्लियर है ना। यानी आप जैसे मैंने एवेंजर की कहानी बताई कि ऐसे करके उसने, मतलब लास्ट में आयरन मैन ने अपनी चुटकी बजाई थी, तो उसे पता होगा कि चुटकी ऐसे ही बजाई जाती है, ये वाली चुटकी ये चुटकी नहीं है। तो उसे पता है ये चुटकी ऐसे एवेंजर ने बनाई हो, मतलब आपके आयरन मैन ने बजाई होगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग यानी कल्पनात्मक निगमात्मक चिंतन। जैसे नहीं कि तो हम लोग एक गेम खेलते हैं, तोता उड़, मैना उड़, बाज उड़, चील उड़। अगर आप छोटे बच्चों के साथ खेलोगे तो हाथी उड़, गाय उड़, सबको उड़ा देते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि कुछ चीज़ें उड़ती हैं कुछ चीज़ें नहीं उड़ती हैं, ठीक। लेकिन अगर आप इस दोनों स्टेज में हैं, मूर्त में और अमूर्त में, तो आप यहाँ बता सकते हो कि हाथी क्यों नहीं उड़ता है और यहाँ ये अपने आप दिमाग लगा सकते हो कि हाथी कैसा होता है, हाथी की इमेज आप बना सकते हो अपने आप माइंड में। तो इस वाली स्टेज को क्या कहते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जी इसमें लिखा ही है अमूर्त, यानी कोई भी चीज़ मूर्त नहीं होगी, ठोस नहीं होगी, आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होगी, अप्रत्यक्ष होगी, ठीक। फिर इसी में दो प्रकार के चिंतन होते हैं आपके, एक होता है अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन। देखिए अपसारी चिंतन को बेस्ट चिंतन माना जाता है। कभी क्वेश्चन बने कि निम्न में से वह कौन सा चिंतन है जो सबसे सुपर होता है, तो होता है आपका अपसारी चिंतन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट कहते हैं।
करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि लखनऊ के बारे में कोई विशेषताएं बताइए, अगर मान लीजिए आप तीन चार लोग हैं तो आप कहोगे कि लखनऊ का इमामबाड़ा फेमस है, ठीक है, लखनऊ का आपका जो वो हो क्या कहते हैं उसको गाढ़ा भंडार जो है वो फेमस है, यानी चिकनकारी के लिए। कोई बताएगा कि लखनऊ के समोसे फेमस हैं, कोई कहेगा लखनऊ की अमीनाबाद की मार्केट बहुत फेमस है। तो लखनऊ की विशेषताएं में देखिए सब लोग लखनऊ के बारे में ही बता रहे हैं लेकिन अलग अलग आंसर बता रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं, सब ये नहीं कहेंगे लखनऊ का इमामबाड़ा फेमस है, लखनऊ का इमामबाड़ा फेमस है, सब अपनी अपनी क्या बताएंगे आंसर बताएंगे। तो इस वाले जो चिंतन होता है, थिंकिंग होती है, उसी थिंकिंग को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहते हैं। यानी सब लोग अगर लखनऊ पे हैं, जैसे ये लखनऊ है तो ऐसे, ये वाला जो चिंतन है, लखनऊ से देखो कितनी सारी विशेषताएं निकल के आई, तो इस चिंतन को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए, अब देखिए अपसारी चिंतन क्या होती है, अपसारी चिंतन होता है आपका कन्वर्जेंट, यानी ये सभी चीजों को कन्वर्जेंट कर देता है, यानी छोटी चीजों में। जैसे मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अब जितने भी लोग होंगे सबका एक ही आंसर होगा, वो है लखनऊ। यानी ये वाला जो आपकी चिंतन है वो ऐसे चल के सीधे कहां आ जाता है, एक बिंदु पे आ जाता है, जबकि ये वाला जो चिंतन है वो एक बिंदु से अलग अलग जगह पे बढ़ता है। इसीलिए जो आपका अपसारी चिंतन है ये सुपर, मतलब सबसे बेस्ट चिंतन कौन सा होता है, तो अभिसारी चिंतन होता है। यानी कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ ये था कि निम्न में से किस अवस्था में बालक अभिसारी व अभिसारी चिंतन को प्रकट करता है, वो है अमूर्त अवस्था। यानी जितनी भी चीजें उसने पिछली तीन स्टेजों से सीखी है सबका भरपूर यूज कहां करेगा, आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, फिर आता है रचनात्मक सोच। आप लोगों के इसमें एक टॉपिक भी है क्रिएटिव थिंकिंग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। यानी अब वो सभी जो मैंने बताया ना, आप कोई भी उसको कहानी बताओ वो उस कहानी के तुरंत एक कॉमिक्स के रूप में आपको बना के समझा देगा। यानी उसके अंदर अब क्या आ रहा है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आ रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नाउन की डिफिनेशन छोटे पे, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। ठीक, अब इसी चीज को अगर इस अवस्था में वो बच्चा है तो क्या कहेगा, इन दिस वर्ल्ड एवरी थिंग इज नाउन। ठीक, यानी दुनिया में जितनी चीजें हैं सभी नाउन हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब क्या आ चुकी है, क्रिएटिव थिंकिंग आ चुकी है। बड़े बड़े क्वेश्चनों को अपने आप अकॉर्डिंग उन्हें छोटे में बदल लेना और उन्हीं छोटे क्वेश्चनों को अपने आप बड़े में बता देना। किसी छोटी बात पे क्या करते हैं, लॉजिक लगा के लोगों से, बड़े लोगों से तर्क करना। ठीक, बड़े लोगों के साथ बैठकर उनकी बातों को सुनना। तो ये सब किस चीज में आती है, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी में आती है। तो ये कब आएगी, ये आपकी आएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को देखना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल हिट करेंगे ये पॉइंट्स सब। फिर आता है नेक्स्ट आपका कि अगर आप प्याज किसी क्वेश्चन आता है कि जब कुछ भी आप अपने स्कीमा में, जब आप अपने स्कीमा में कुछ भी ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो उसको कहा, क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एजमिलेशन। यानी आप कुछ भी जब अपने स्कीमा यानी बौद्धिक सूचनाओं में ऐड करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं एजमिलेशन। और उसी सूचनाओं को जब आप एडजस्ट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एकोमोडेशन, यानी एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना या मैनिपुलेट करना या हटाना। इनमें से कोई भी चीज जब आएगी तो एकोमोडेशन होगा और जब कुछ भी ऐड होगा तो एजमिलेशन होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न मैंने लगभग कोशिश करूंगा बने हैं, उनमें से जो बेस्ट होंगे, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चनों को भी लूंगा, कुछ सरल क्वेश्चन होंगे, कुछ कठिन क्वेश्चन होंगे, हो सकता है वीडियो दो पार्ट में भी चली जाए नेक्स्ट वाली। तो कोशिश आपकी यही करूंगा कि जितने भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश यही रहेगी कि आपका स्कोर 30 out of 30 हो मेरी तरफ से CDP में, क्योंकि मैंने खुद स्कोर किया है और मेरे साथ जो हैं उन्होंने भी ये सब स्कोर किया है। तो आप बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो UPTET और CTET के लिए। अब ध्यान रखिएगा कि UPTET और CTET के लिए आप बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म में हो, क्योंकि सभी ने अपने स्तर से क्वालिफाई किया है और सभी अपने अपने विषय में पारंगत हैं या कह सकते हैं निपुण हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको 30 out of 30 हिट ही करना है, लगभग आपका टारगेट 120+ तो CTET में होना ही चाहिए। देखिए 90 तो सब लाते हैं, 120 लाने का जो मजा है वो अलग होता है। ठीक, तो ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरुआत से लेकर आखिरी तक। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।